नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। प्रदेश पुलिस लगातार नशा तस्करी का भंडाफोड़ करती हुई नजर आ रही है। एंटी नार्कोटिक सेल ने नशा तस्करी पर बड़ा प्रहार किया है। दरअसल 12 लाख की स्मैक के साथ हमीदा से एक युवक को एंटी नार्कोटिक सेल की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि साहिल नाम का एक युवक स्मैक बेचने का काम करता है। उसी सूचना पर जब टीम ने छापेमारी की तो साहिल उफ चूजा के पास 300 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसे 4000 प्रति ग्राम में बेचा जाता था। साहिल का भाई ये स्मैक लेकर आता था और युवाओं को सप्लाई करवाता था। इसके भाई को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिससे पता चल पाए कि ये कितने में स्मैक खरीदता और बेचता था और इस पूरे नेटवर्क को पकड़ा जा सके। बताया जा रहा है कि साहिल पर 6 मामले दर्ज हैं, जिसमें से 2 आर्म्स एक्ट के हैं और 4 मामले एनडीपीसी के दर्ज हैं। अब इसे रिमांड पर लिया जाएगा, जो पुलिस टीम की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है। एंटी नार्कोटिक सेल के इंचार्ज इंस्पेक्टर महावीर सिंह ने कहा कि यमुनानगर के एसपी कमलदीप गोयल के अनुसार ही हमारी टीम लगातार नशा तस्करों को पकड़ रही है। साल 2021 में अब तक 74 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। आगे भी नशा तस्करों पर इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। सर, एक युवक को गिरफ्तार किया है, कितनी ग्राम स्मैक जो है बरामद की गई है? ऐसा है, हमारी एएनसी की टीम लगातार नशे पर धरपकड़ की जा रही है और एसपी साहब हमारी टीम को सम्मान भी दिया है और सर्टिफिकेट भी दिया है, लेकिन जवानों का हौसला भी बढ़ाया है, इसलिए लगातार इस पर काम कर रहे हैं। और रात देर रात हमारी एनसी की टीम ने एक युवक साहिल नाम, साहिल उर्फ चूजा जो हमीदा का रहने वाला है, उसको काबू किया। मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट बुलाया गया, जिसकी तरह से ली तो जिसके कब्जे से 300 ग्राम स्मैक, जो आज तक की यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी रिकवरी है स्मैक की, बरामद हुई है। और जिसकी ये जो जिससे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उसका भाई एहसान नाम का उसका भाई है, वो लेकर आता था। आगे एहसान को गिरफ्तार किया जाएगा और पूरी चैन बनाकर इनको गिरफ्तार किया जाएगा। और ये बताया गया कि इसकी कीमत यहाँ पर जो बेचते हैं 4000 रुपये के हिसाब से बेचते हैं ग्राम के हिसाब से, उस हिसाब से इसकी कीमत 12 लाख बनती है। और वह पता किया जाएगा, एहसान वहाँ से कितनी कीमत में लाया था वो एहसान के पकड़ने के बाद पता किया जाएगा। तो सर जी, ऐसे अभी उसका रिमांड लिया जाएगा और गहनते से पूछताछ की जाएगी, वो कहाँ से बेचता था और जो भी आगे जो बताएगा उसके हिसाब से हम आगे तफ्तीश की जाएगी। तो सर, ऐसे उस पर 6 मुकदमे दर्ज हैं, जो 4 मामले एंडिपिसेक्ट और 2 मामले आर्म जक्ट के दर्ज हैं। पहले भी 4 मामले नशे के हैं, उसमें 2 मामले आर्म जक्ट के हैं जो इसके पर दर्ज हैं। तो क्या सर? हाँ, क्योंकि इसने बताया जब अभी इसका भाई है, उसका भाई बताएगा कि कहाँ पूरी चैन को गिरफ्तार किया जाएगा। बिल्कुल हमारा सहाय है कि यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट को नशा मुक्त करने का है। यही हमारे एसपी साहब कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट को यमुनानगर को नशा मुक्त करना है, यही उद्देश्य हमारी टीम का, एनसी की टीम का है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।